Hello everyone, welcome to Digimento Education, and in this video series we are going to discuss some of the best MCQs of Theory of Computation subject. So in this video series we have started this series for PGT Computer Science, that is postgraduate teacher. So if you are preparing for any exam, for example like KVS or PGT or UGC NET or GATE, so these questions will be helpful for you. So I believe after looking at the explanations of these 50 questions, you will be able to solve any question of TOC. Okay, you do not need to go through the theories after watching these videos. So in this video series, I am going to give the explanation of 50 best MCQs in Theory of Computation. Okay, so any question which is being asked in any of the examinations, in for example in PGT, in KVS or in TGT or let's say UGC NET or GATE. So all the questions comes in the same pattern. So we are going to discuss a pattern or questions on those patterns. So my name is Abdul Qadir. So let's discuss first question. What is the language accepted by the following NFA? एक NFA दिया हुआ है, उससे आपको लैंग्वेज निकालनी है. तो लैंग्वेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लो. रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं फाइनल स्टेज तक कैसे कैसे पहुंच सकता हूँ. पहला तरीका क्या है फाइनल स्टेज तक पहुँचने का? ए से सी जीरो, सिंपल जीरो से आप फाइनल स्टेज तक पहुँच सकते हो. या फिर और प्लस मीन्स और आप पहुँच सकते हो. सबसे लंबा तरीका क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट वे. अब यह क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट वे है फाइनल स्टेज तक पहुँचने के लिए. सबसे लॉन्गेस्ट वे है ये, विच मीन्स लूप मीन्स जीरो स्टार. ओके, जीरो स्टार, वन स्टार, जीरो स्टार वन एंड देन वन स्टार, आफ्टर दैट जीरो एंड जीरो स्टार. ओके, इस तरह से हैं. तो अगर आप यहाँ से जीरो कॉमन लेते हो तो दिस विल बिकम नल प्लस जीरो स्टार वन प्लस जीरो स्टार. ओके, तो नल प्लस जीरो स्टार वन प्लस जीरो स्टार, तो इसमें इसको आप सिंपली लिख सकते हो जीरो स्टार वन स्टार जीरो स्टार. ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो. अगर आप ऑप्शन ए लेते हो तो ऑप्शन ए ऐसे स्ट्रिंग जनरेट करेगा जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी. फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से जीरो प्लस वन स्टार से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो जो जीरो वन से बना है. तो लेट से मैं 101 लेता हूँ अंदर से और बाहर का जीरो. 1010 पूरी स्ट्रिंग बन गई. पूरी स्ट्रिंग ये 1010 यहाँ से एक्सेप्ट नहीं होगी. 10 उसके बाद में 1 हमारे पास में नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है. जीरो स्टार वन स्टार जीरो, तो ये सारी स्ट्रिंग देगा जो ये जनरेट करेगा. जीरो स्टार वन स्टार जीरो, इसका मतलब क्या है कि ये नल भी एक्सेप्ट कर रहा है. ओके, लेकिन हमारा DFA नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. ये आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है थोड़ा सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये नल भी जनरेट कर रहा है. नल स्ट्रिंग ऐसे जनरेट करेगा, नल जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा. लेकिन ये हमारा DFA, ये NFA नल जनरेट नहीं कर रहा है. अगर फाइनल इनिशियल स्टेज ही आपकी फाइनल स्टेज होती तो नल जनरेट करता. जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ स्ट्रिंग है वो जीरो है, जीरो तक एटलीस्ट करना ही चाहिए. तो अगर आप सी ऑप्शन की तरफ देखो तो सब में स्टार है, लेकिन एक जीरो है ही है. हर एक स्ट्रिंग के एंड में जीरो होगा, तो उसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट इसमें जो स्ट्रिंग बनेगी वो सबसे छोटी स्ट्रिंग जीरो होगी. उसके बाद में स्ट्रिंग्स हो सकती है लाइक दिस, जीरो जीरो या फिर वन जीरो या फिर जीरो वन जीरो, इस तरह की स्ट्रिंग्स हो सकती है इसमें. तो ये सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है इस NFA में. तो सी इज द राइट आंसर. डी तो हो ही सकता है क्योंकि डी सारी की सारी स्ट्रिंग देगा जो जीरो वन से बनी है और लेंथ एटलीस्ट वन है. तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नॉन रेगुलर लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग. इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स जो होंगी, एक्स इज ए स्ट्रिंग, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? एक्स इज ए स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू जीरो प्लस वन स्टार, विच मीन्स एवरीथिंग विच इज कंपोज यूजिंग जीरो एंड वन. लेंथ ऑफ एक्स, इसका मतलब है लेंथ ऑफ एक्स. एक्स की लेंथ जो है वो ऑड है और फर्स्ट सिंबल ऑफ एक्स इज वन. तो क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है? यस, ये लैंग्वेज रेगुलर है. हम ऐसी लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है, एक्स ऑड लेंथ की लैंग्वेज बना सकते हैं, उसका DFA बना सकते हैं जिसका फर्स्ट सिंबल जो है वो वन हो. इसका DFA बना सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज का हम DFA बना सकते हैं या फिर NFA बना सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज रेगुलर है.
सेकेंड लैंग्वेज अगर हम देखें, एक्स इज ऑड, मिडिल सिंबल ऑफ एक्स इज वन, मिडिल सिंबल, तो यहाँ बात आ गई मिडिल सिंबल की। अब फर्स्ट सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिडिल सिंबल में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मिडिल निकालने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ आपसे एक्स वाई वाई एक्स, ऐसी एक स्ट्रिंग है, इसका मिडिल बताओ, तो आप मिडिल कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको ये देखना होगा कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, राइट हैंड साइड में भी सेम नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, और काउंटिंग अलाउड नहीं है। आपके पास में कोई स्टैक नहीं है काउंट करने के लिए। काउंट करने के लिए हमेशा याद रखना आपको एक मेमोरी चाहिए होती है, तो बिना मेमोरी के आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो बिना मेमोरी के, और आपके हमें पता है कि जो आपका DFA या NFA होता है उसमें कोई मेमोरी नहीं होती, दैट्स वाई ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। सी रेगुलर लैंग्वेज है, ऑड लेंथ की एक स्ट्रिंग है जिसमें लास्ट सिंबल वन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी रेगुलर है। तो आपका आंसर हुआ सी बी, इसने पूछा कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज कौन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक दिस। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वॉट इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाई आर ओवर सिंबल ए एंड बी। तो आपको फाइंड आउट करना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए प्लस नल, इस सिंबल का मतलब है नल, बी बी स्टार ए होल स्टार, तो इनमें से कौन सी इसकी डेफिनेशन है इस रेगुलर एक्सप्रेशन की। पहला कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट कंटेन ए ए, तो दैट डू नॉट कंटेन ए ए, दैट इज ट्रू। बी कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट कंटेन टू और मोर कंसेक्यूटिव एज, दिस इज ट्रू। सी कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट एंड विद बी एंड डू नॉट कंटेन टू और मोर कंसेक्यूटिव एज, दिस इज ट्रू। अब ये दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू है और सी भी ट्रू है, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर है वो सी है। ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट कंटेन ए ए, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव एज नहीं हो सकते हैं इस स्ट्रिंग में। अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें दो कंसेक्यूटिव एज नहीं हो सकते। इसमें स्ट्रिंग किस तरह की हो सकती है? इसमें स्ट्रिंग इस तरह की हो सकती है, सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी नल, ओके, यहां से मैंने नल लिया, उसके बाद में वन लेंथ की स्ट्रिंग होगी ए, उसके बाद में जो सेकेंड स्ट्रिंग होगी वो इस तरह से हो सकती है, यहां से आपको कुछ ना कुछ लेना होगा, और यहां से आप कुछ ले सकते हो, लेट्स से बी ए, ओके, तो ये दो लेंथ की स्ट्रिंग हो गई आपकी। तो इस तरह से कई तरह की, कई सारी स्ट्रिंग बना सकते हैं हम, जैसे यहां से आप ए लेंगे तो ए बी ए, तो इस तरह की स्ट्रिंग्स हो सकती है, कहीं भी दो कंसेक्यूटिव ए एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसने कहा कि दैट डू नॉट कंटेन ए एज ए स्टेप्स ऑफ सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग ना होनी चाहिए, लेकिन टू कंसेक्यूटिव एज भी नहीं होने चाहिए, दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। सी कह रहा है कि ना तो दैट डू नॉट एंड विद बी एंड डू नॉट कंटेन टू और मोर कंसेक्यूटिव एज, तो ये स्ट्रिंग कभी भी ए से एंड बी से एंड नहीं हो सकती है। अगर इन स्ट्रिंग की बात करो, ए ऑप्शन ए और बी फॉल्स क्यों हैं, ये आधे पार्ट का आंसर दे रहा है, लेकिन ये बी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। ये नहीं बता रहा है कि बी के साथ में एंड होगी या नहीं होगी। अब ये, लेकिन ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये एंश्योर कर रहा है कि स्ट्रिंग कभी भी बी के साथ में एंड नहीं हो सकती है इसकी वजह से, ओके, और इसकी वजह से। सो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग DFA। हमें एक DFA दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द DFA, इस DFA की लैंग्वेज क्या होगी। तो इसको आप ध्यान से देखो, ये है आपकी डेड स्टेट, तो एटमोस्ट क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इनिशियल स्टेट ही, जब फाइनल स्टेट हो तो आप कहते हो कि नल भी एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो ये DFA नल एक्सेप्ट कर रहा है या फिर ए एक्सेप्ट कर रहा है, ए भी एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, या फिर बी ए लाइक दिस, या फिर ए बी, या फिर बी ए बी, तो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। इन सब में कॉमन एक चीज़ है, वो कॉमन क्या चीज़ है कि कंटिन्यूसली दो से ज़्यादा एज नहीं हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में दो से ज़्यादा ए नहीं हो सकते हैं, बीज कितने भी हो सकते हैं लेकिन एटमोस्ट टू एज ही हो सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एज हैं, कोई लूप नहीं है ए का, सिर्फ फाइन नंबर ऑफ एज जो है वो फाइनाइट है और वो दो हैं, दो के बाद में फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, दो के बाद में जितने भी एज आएंगे वो सब डेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, आप डेड में पहुंच जाओगे। तो आइडेंटिफाई द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द DFA, ऑल स्ट्रिंग नॉट कंटेनिंग ट्रिपल ए, सही बात है, नॉट कंटेनिंग ट्रिपल ए, ऑल स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विद ट्रिपल ए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसने कहा है कि किसी भी स्ट्रिंग में ट्रिपल ए सब स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसने स्टार्टिंग और एंडिंग के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसने कहा है कि ऑल स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विद ट्रिपल ए, लेकिन इसमें अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ट्रिपल ए नहीं है तो उसके स्टार्टिंग के बीच में तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बी ट्रिपल ए, ये कह रहा है, ये जो ऑप्शन बी कह रहा है कि इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है लेकिन इस तरह की एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन DFA कह रहा है कि इस तरह की भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। तो सी कह रहा है कि ऑल स्ट्रिंग्स विद नो मोर देन टू एज, मतलब दो से ज़्यादा एज ना हो,
यही सही बात कह रहा है, डीएफए भी यही कह रहा है कि दो से ज़्यादा ए ना हो, अगर दो से ज़्यादा ए आए तो वो डेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और वहां से कभी बाहर नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वेलेंट टू द रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी स्टार। सो हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी स्टार, जब भी कहीं ऐसा हो, होल स्टार्स का मतलब है कि सारी स्ट्रिंग जो ए बी सी से मिलकर बन सकती है, हर एक स्ट्रिंग जो ए बी सी से मिलकर बन सकती है, चाहे वो कैसी भी स्ट्रिंग हो, इसका मतलब ये। अगर आप कहते हो ए प्लस बी का होल स्टार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ए और बी से बनी हुई सारी स्ट्रिंग, जैसे नल ए बी, ए बी बी ए बी बी, इस तरह की सारी स्ट्रिंग, जब आप कह रहे हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार, इसका मतलब आप कह रहे हो कि नल ए बी सी, ए बी ए सी लाइक दिस, बी ए बी सी, तो हर एक स्ट्रिंग जो लेंथ 3 से आप बना सकते हो, उसके बाद यहाँ होगी। अब ऑप्शन ए कह रहा है कि ए स्टार प्लस बी स्टार प्लस सी स्टार का होल स्टार, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी का होल स्टार इज इक्वेवलेंट टू ए स्टार प्लस बी स्टार का होल स्टार, या फिर ए स्टार प्लस बी होल स्टार, तो ये सब इक्वेवलेंट है, इसका मतलब भी यही है। बी कह रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी स्टार का होल स्टार, ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है रेगुलर एक्सप्रेशन की, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार, इससे भी ये भी, यहाँ से भी सारी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, यहाँ से भी सारी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। ये प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में ये बहुत ही ऑब्वियस है, सिर्फ स्ट्रिंग जनरेट करके देख सकते हो। अगर मैं कहूँ ए प्लस बी का होल स्टार है और मेरे पास में ए स्टार बी स्टार का होल स्टार है, ये दोनों इक्वावलेंट है बिल्कुल, क्योंकि जो स्ट्रिंग आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो वही स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट कर सकते हो, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो नल ए बी, ए बी बी ए लाइक दिस, यहाँ से भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ से नल लिया, फिर बी वाले पार्ट में से नल लिया और ए मैंने जनरेट कर लिया, फिर ए वाले पार्ट में से नल लिया और बी जनरेट कर दिया, इसी तरह से दोनों की एक 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 पावर ली, ए बी हो गया, फिर दोनों को कंबाइन किया, क्योंकि इस स्टार की वजह से इनको आप शफल कर सकते हो कितने भी तरीके से, तो बी ए हो गया, तो इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है आपकी सी में, क्योंकि सी कह रहा है कि ए बी का होल स्टार प्लस सी स्टार का होल स्टार, अब ये वो स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पाएगा जो ये आपका ओरिजिनल रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है। ये वो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको हर बार ए के साथ में बी लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि ए बी का होल स्टार हो गया है, आपको हर बार ए बी साथ में लेना ही पड़ेगा, आप कभी भी ऐसी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पाएंगे, ए सी ऐसी स्ट्रिंग नहीं आ पाएगी, बी सी इस तरह की स्ट्रिंग कभी नहीं आ पाएगी, लेकिन ये जनरेट करेगा ए बी ए सी, तो इसलिए ऑप्शन सी इक्विवेलेंट नहीं है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के। ओके, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में एक लैंग्वेज है ए ए बी बी, फाइनाइट लैंग्वेज है जिसके अंदर दो स्ट्रिंग है ए ए बी बी, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज वॉट, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस दैट लैंग्वेज। आपने अगर ध्यान से देखा हो सेट थ्योरी में, जब आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो आप कैसे निकालते थे, एक कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, यू क्या है यूनिवर्सल सेट, इसी तरह लैंग्वेज का सेट है, सिग्मा स्टार एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मतलब ऑल द स्ट्रिंग्स, तो सिग्मा स्टार माइनस एल, इसके अंदर सारी सारी की सारी स्ट्रिंग होगी जो ए बी से मिलकर बनी है। सिग्मा स्टार का मतलब क्या है, सिग्मा स्टार का मतलब है सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो ए बी से मिलके बन सकती है, सिग्मा स्टार यानी कि सिग्मा क्या है यहाँ पे ए बी है, तो ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हो आप ए प्लस बी का होल स्टार या फिर ए बी का होल स्टार, दोनों सेम ही चीज़ हैं। ओके, माइनस एल, एल क्या है आपकी ए ए बी बी, तो इसको आप और सिंपली वे सिंपल वे में लिख सकते हो, नल ए बी ए ए ए बी बी ए बी बी, ठीक है, इस तरह से माइनस आपकी लैंग्वेज, यह हो गया सिग्मा स्टार माइनस ए ए बी बी, तो ये आएगा आपका, यहाँ से ए ए बी बी निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो नल ए बी बचा, उसके बाद में ए ए बी बी बचा, बी बी इज गॉन सो बी ए, ए इज गॉन सो ए बी बी ए, ये बचेंगे, उसके बाद में लेंथ 3 की स्ट्रिंग, तो लेंथ 2 की दो स्ट्रिंग भाग जाएगी यहाँ से ए ए एंड बी बी, उसके बाद में आपकी लेंथ 2 की स्ट्रिंग सेम बचेगी, उसके बाद में होगी जो स्ट्रिंग सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की लेंथ की स्ट्रिंग्स होगी। ओके, दो की स्ट्रिंग्स तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये दो स्ट्रिंग चली जाएगी, बाकी सारी स्ट्रिंग्स एज इट इज रहेंगी, तो आप कह सकते हो कि नल ए बी
ए बी बी ए यूनियन ऑल द स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू ए बी स्टार लेंथ ग्रेटर देन 3. दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए. दो दो लेंथ की स्ट्रिंग तो यहाँ पे कवर हो गई, तीन लेंथ की स्ट्रिंग कहाँ जाएगी? ये कह रहा है ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि जो तीन से ज़्यादा है, यानी कि चार से स्टार्ट होगी. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर नल नहीं है. ओके, तो ये भी आंसर नहीं है. सी कह रहा है कि वही सेम चीज़, एक तो नल नहीं है इसके अंदर, प्लस ये ग्रेटर देन का साइन है. फोर्थ, नल है ए बी ए बी बी ए यूनियन ए बी का होल स्टार डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सो फोर्थ इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक ग्रामर दी हुई है, तीन प्रोडक्शंस है उस ग्रामर में, और आपसे पूछा गया है द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन बाय दिस दीज प्रोडक्शंस जनरेट्स द लैंग्वेज विच इज डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन विच. तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है इस ग्रामर के लिए. अब क्या करो, सिंपली वाई क्या दे रहा है, वाई का रेगुलर एक्सप्रेशन है ट्रिपल बी, वाई का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे रख दो. ओके, एक्स दे रहा है ए एक्स, इसको इसका मतलब है नल. तो एक्स यहाँ पे अगर यहाँ पे नल रखते हो तो क्या हो जाएगा, सिंपली ए. ओके, एक्स क्या जनरेट कर रहा है, एक्स जनरेट कर रहा है नल ए, उसके बाद में ए ए कितने भी हो सकते हैं क्योंकि एक्स टेंस टू ए एक्स है, राइट लाइन ये है राइट रिकर्शन, तो राइट रिकर्शन में इन्फाइनाइट टाइम तक जा सकते हो आप राइट साइड में. बी एक्स का मतलब क्या है, ओके बी एक्स मीन्स बी एक्स में आप जा सकते हो नल बी 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 इन्फाइनाइट टाइम तक. इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स है वो जनरेट कर रहा है सिंपली उचोड़नी ए प्लस बी का होल स्टार. ओके, जो एक्स है वो जनरेट कर रहा है ए प्लस बी का होल स्टार, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है एक्स के लिए. क्यों? एक्स ऐसे हैं ए एक्स बी एक्स नल, ठीक है, ये है एक्स. तो यहाँ से आप सारी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो. यहाँ से कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, नल, फिर ए, एक्स यहाँ पे नल रख दिया तो ए वन बच गया, बी, एक्स यहाँ पे नल रखा तो बी बच गया, फिर ए एक्स, ए एक्स था मैंने ए लिया, एक्स यहाँ पे रखा मैंने बी, और एक्स यहाँ पे रखा नल तो ए बी बन गया, फिर यहाँ पे बी ए बना सकता हूँ मैं, इसी तरह से ए ए बी बी भी बना सकता हूँ. तो सारी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ ए और बी के कॉम्बिनेशन से, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ए प्लस बी का होल स्टार. तो वाई है ट्रिपल बी, एक्स है, एक्स इक्वल्स टू है आपका ए प्लस बी का होल स्टार, और वाई का है ट्रिपल बी, और आपका जो स्टार्टिंग सिंबल था वो था एक्स वाई एक्स. तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है ए प्लस बी का होल स्टार ट्रिपल बी ए प्लस बी का होल स्टार. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव थ्री रेगुलर एक्सप्रेशंस, कंसीडर द फॉलोइंग आइडेंटिटीज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन. ए आर प्लस एस का होल स्टार इक्वल टू एस प्लस आर का होल स्टार, बी इज आर स्टार स्टार इक्वल टू आर स्टार, एंड आर स्टार एस स्टार का होल स्टार इक्वल टू आर प्लस एस का होल स्टार. तीनों की तीनों डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है रेगुलर एक्सप्रेशन की, और तीनों की तीनों सही प्रॉपर्टीज हैं. ओके, आप चाहे ए प्लस बी का होल स्टार लिखो या फिर बी प्लस ए का होल स्टार, दोनों सेम चीज़ हैं. ओके, अगर आप लिखते हो आर स्टार का होल स्टार इक्वल टू आर स्टार, ये भी सही है. जो स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट होगी वही यहाँ से होगी. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर से बनी हुई सारी स्ट्रिंग्स, आर की सारी पावर्स, ये भी यही कह रहा है. ओके, आर स्टार का आर स्टार एस स्टार का होल स्टार इक्वल टू आर प्लस एस का होल स्टार, ये भी सही प्रॉपर्टी है. तो ऑल ऑफ दीज आर द वैलिड प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेगुलर एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज एल वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 1 होल स्टार, एक्स एंड्स विद 1 एंड डज नॉट कंटेन सब स्ट्रिंग 0 0. तो इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है, हमें एक लैंग्वेज दी हुई है, इस लैंग्वेज के इक्वावलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है. तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करने में ज़्यादा फायदा है. ये क्या कह रहा है कि कोई भी कहीं भी 0 0 कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते सब स्ट्रिंग में, और एक हमेशा जो है 1 से एंड होगी. तो अगर मैं इसको देखता हूँ पहला, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे होगी, या तो 1 होगा 1 1 0, ठीक है, यहीं पे गलत हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग दे रहा है पहले वाला जो 0 से एंड हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड्स विद 1, सारी स्ट्रिंग इसमें 1 से एंड होनी चाहिए. तो ये तो यहीं पे फेल हो गया. क्यों? 1 मैंने यहाँ से लिया, 1 0 यहाँ से लिया, और का मतलब है कि इनमें से कोई एक ले सकते हो, प्लस मीन्स और. तो 1 यहाँ से लिया और 1 0 यहाँ से लिया, तो 1 1 0 स्ट्रिंग बनी, जो कि गलत है, जो इस लैंग्वेज के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स एंड्स विद 1. सेकेंड कह रहा है कि 1 प्लस 0 1 का होल स्टार 0 1. तो इसमें देखते हैं इसमें स्ट्रिंग किस तरह की होगी. इसमें स्ट्रिंग होगी 101. ओके, इसमें एक चीज़, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि x ends with 1.
तो आपके ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होगी वो ऐसे होगी, 1 1 1, ओके 1 0 1, इस तरह की स्ट्रिंग्स होगी। लेकिन ये जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है ये 1 जनरेट नहीं कर पा रहा है, ओके 1 जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो थर्ड है 1 + 0 1 का होल स्टार, 1 + 0 1, यहाँ से कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी, यहाँ से जनरेट होगी, यहाँ से आपने नल लिया और यहाँ से 1 1 जनरेट हो गया, 0 1 जनरेट हो गया, ओके 1 से एंड हो रही है लैंग्वेज, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड दे रहा है, एंड का मतलब है कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक्स 1 के साथ में एंड भी हो और सब स्ट्रिंग में 0 0 भी हो ना हो, तो अभी तक तो 0 0 नहीं है और 1 के साथ में एंड भी हो रहा है, यहाँ से आपको 1 1 भी मिल सकता है, ओके 1 0 1 भी मिल सकता है यहाँ से, इन दोनों कॉम्बिनेशन से, तो इस तरह की सारी स्ट्रिंग मिल जाएगी आपको जिसमें 00 नहीं होगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। डी में क्या प्रॉब्लम है, डी में प्रॉब्लम यह कि यहाँ से 1 0 0 1 जनरेट हो रहा है जो कि नहीं हो सकता है, कह रहा है कि सब स्ट्रिंग में 0 0 नहीं हो सकता है, तो 4 भी गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड रेगुलर लैंग्वेजेस आर बोथ क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ व्हाट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा जिसमें टीओसी इंक्लूडेड है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट आपकी क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड डिसीजन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा। तो ये आपकी डिसीजन प्रॉपर्टीज की टेबल है, सिर्फ इसको इस टेबल को याद करना है, समझने का टाइम हो तो समझ भी सकते हो, समझना बहुत ज़रूरी है इसको, अगर आपको बहुत ही कोई अगर आप गेट जैसा एग्जाम दे रहे हो, गेट में जहाँ आपको हर चीज़ें बिल्कुल डीप में समझनी होती है, तो इस टेबल को समझ लेना, अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना है या फिर कोई ऐसी नॉर्मल एग्ज़ाम, तो इसको याद कर लो, बहुत काफ़ी है, इससे ही आपको 4-5 नंबर मिल जाएंगे टीओसी में। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पहली चीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कोई लैंग्वेज पर अगर हम कोई वो ऑपरेशन लगाएं तो ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो वही लैंग्वेज रहे। अगर मैं कहूँ कि रेगुलर दो रेगुलर लैंग्वेज पर अगर मैं यूनियन ऑपरेशन लगाता हूँ तो जो रिजल्ट आया यूनियन लगाने के बाद में वो रिजल्ट भी रेगुलर लैंग्वेज ही है। तो यस का वाई का मतलब है यस, एन का मतलब है नो। ये कह रहा है कि जो रेगुलर लैंग्वेज है वो सारे ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है। यस 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 मीन्स रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज अंडर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, रिवर्स, रेगुलर इंटरसेक्शन, ऑल दी ऑपरेशंस। CFL ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों CFL एंड DCFL इनकी प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी क्लोजर प्रॉपर्टी पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो उनमें मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन CFL एंड DCFL पे होंगे। तो CFL लैंग्वेजेस आर क्लोज ओनली अंडर यूनियन, रिवर्स, रेगुलर इंटरसेक्शन। रेगुलर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि CFL लैंग्वेज का इंटरसेक्शन रेगुलर लैंग्वेज के साथ में अगर आप करोगे तो आपको CFL ही मिलेगी। ओके CFL लैंग्वेज का इसका मतलब ये है कि CFL लैंग्वेज का इंटरसेक्शन रेगुलर लैंग्वेज के साथ में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, CFL ही मिलेगी। इसका मतलब ये है रेगुलर इंटरसेक्शन का मतलब कॉन्कैटिनेशन के अंडर क्लोज्ड है, होमोमॉर्फिज्म एंड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। DCFL लैंग्वेज और CFL लैंग्वेज में आपको बहुत बार कन्फ्यूजन होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी में है, आपको सिंपली याद रखना है कि DCFL जो है वो कॉम्प्लीमेंट के अंडर क्लोज्ड है एंड यूनियन जो है वो CFL जो है वो यूनियन के अंडर क्लोज्ड है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें CFL एंड रेगुलर लैंग्वेज दोनों के दोनों ही क्लोज्ड हैं। तो CFL जब हम बात करते हैं CFL की तो हम बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक CFL की। ओके CFL और नॉन डिटर्मिनिस्टिक CFL, जब भी डिटर्मिनिस्टिक होगा तो वहाँ पे लिखा होगा डेफिनेटली कि DCFL। तो CFL लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर यूनियन ऑपरेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज आर ऑल्सो क्लोज अंडर यूनियन ऑपरेशन। ओके इंटरसेक्शन में रेगुलर तो क्लोज है लेकिन CFL नहीं है, इसी तरह कॉन्कैटिनेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन में है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका डिसीजन प्रॉपर्टीज पे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं डिसीजन प्रॉपर्टी पे। तो दिस क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज जनरेटेड बाय द गिवन ग्रामर। एक ग्रामर दी हुई है आपको लाइक दिस, एस टेंस टू ए एस बी एस नल। तो कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, इससे पहले क्या देखोगे, इसे देख सकते हो कि स्ट्रिंग किस किस तरह की होगी, इसमें स्ट्रिंग इस तरह की होगी, ए एस टेंस टू मैंने नल रखा, ए मिल गया, फिर मैंने बी रखा, ओके सबसे पहली स्ट्रिंग्स में नल भी है, ओके नल भी जनरेट हो रहा है, तो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है किस तरह की, नल ए बी, ओके यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, अब मैं क्या करूँ, एस टेंस टू ए एस लिया मैंने और एस के जहाँ पे मैंने रखा बी, ए बी एस ये वाला प्रोडक्शन, ओके एस टेंस टू बी एस रखा तो ए बी एस हो गया है, अब ए बी एस के जहाँ पे मैंने नल रखा तो ए बी बचा, इसी तरह से मैं बी ए भी जनरेट कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है बी ए एस और फिर बी ए, तो ए बी हो गया, बी ए हो गया,
ए भी जनरेट हो सकता है, बी बी भी जनरेट हो सकता है, तो सारी की सारी स्ट्रिंग जो ए बी से मिलके बनी है वो जनरेट हो सकती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से. ओके, सो ये रेगुलर लैंग्वेज है और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है डी. जिस भी लैंग्वेज का आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है. जिस तरह से आप इस ग्रामर का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, इसलिए इसको इस ग्रामर को हम बोलेंगे रेगुलर ग्रामर. ओके, ग्रामर, लैंग्वेज और आपके रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं. तो इस जो प्रोडक्शंस के फॉर्म में होगा उसको बोलते हैं ग्रामर, और जो जिस तरह से लिखा होगा उसको बोलते हैं लैंग्वेज की फॉर्म. ओके, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन. तो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दी हुई है, दो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स दी हुई है. दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंग्वेजेस इज जनरेटेड बाय जी वन एंड जी टू रेस्पेक्टिवली. इनमें से कौन कौन से जी वन और जी टू एक्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं. तो जी वन को देखते हैं, जी वन है ग्रामर आपकी एस टेंस टू ए एस बी, और फिर बी है बी टेंस टू बी बी बी. तो ऐसे केस में क्या करो, जो आपका दूसरा टर्मिनल सिंबल है उससे स्टार्ट करो, सबसे नीचे से स्टार्ट करो. ओके, तो ये जो आपका बी है बी जनरेट कर रहा है बी, और फिर उसके बाद में कितने बी हो सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट वन बी तो होगा ही होगा, उसके बाद में कितने बी हो सकते हैं, ये डेफिनेशन है बी प्लस की. तो बी जनरेट कर रहा है बी प्लस, यानी कि एटलीस्ट वन बी तो होगा ही होगा, उसके बाद में कितने बी हो सकते हैं. तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये आएगा ए, उसके बाद में नॉर्मल बी प्लस भी हो सकता है क्योंकि बी है, एस टेंस टू बी है, तो क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है बी प्लस या फिर ए बी प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो आप. ओके, तो यहाँ पे भी ए प्लस हो रहा है, ए प्लस और बी प्लस ऐसे बोल सकते हो. तो सेकंड ग्रामर है आपकी जी टू एस टेंस टू ए ए बी बी, उसके बाद में सेकंड प्रोडक्शन है ए टेंस टू ए ए बी नल, उसके बाद में बी 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 नल. तो ये बी नीचे से स्टार्ट करते हैं बी से, तो ये नल भी जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बी स्टार हो सकता है. ओके, ये जनरेट कर रहा है बी स्टार, बी यहाँ से जनरेट होगा नल, फिर बी, फिर बी बी, फिर बी बी बी, लाइक दिस जनरेट होता रहेगा, इसको बोलते हैं बी स्टार. तो ए क्या जनरेट कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है नल, उसके बाद में ए, ए के बाद में कितने भी ए हो सकते हैं और बीज हो सकते हैं, इसका मतलब ये क्या जनरेट कर रहा है, ए स्टार, या फिर यहाँ से बी स्टार जनरेट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए, उसके बाद में ए स्टार, या फिर बी बी स्टार, इस तरह से बहुत सारी ग्रामर्स हो सकती हैं, बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं इसके. तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो. पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए की पावर एम, बी की पावर एन, एम ग्रेटर देन जीरो और एन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे प्रॉब्लम है, और नहीं हो सकता है. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो पहले वाला रेगुलर एक्सप्रेशन, पहले वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन, तो और नहीं होगा एंड होगा, क्योंकि दोनों में प्लस है. जीरो इसे कह रहा है कि, या तो अगर ये और कह रहा है तो और का मतलब ये कि एम इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, इनमें से एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, दोनों की दोनों नहीं होनी जरूरी है. तो एम ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या फिर एन ग्रेटर देन जीरो हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और एन ग्रेटर देन जीरो हो. तो पहली चीज़ तो यहाँ पे एंड आना चाहिए, तो जो ऑप्शन जिनमें और हैं वो तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे, ए और सी पहले से एलिमिनेट हो गया है. अब बी और डी में देखना है, तो बी में एंड आ रहा है ए की पावर एम बी की पावर एन, तो पहले ग्रामर तो ठीक है, सेकंड ग्रामर में क्या होगा, ए की पावर एम बी की पावर एन, एम ग्रेटर देन जीरो और एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ओके, और इस डी में क्या कह रहा है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये यहीं पे गलत हो गया, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एम जीरो नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ एज जो है वो जीरो नहीं हो सकते हैं इसमें. ओके, इसमें हो सकते हैं एक्चुअल में, तो डी अभी गलत नहीं है, बी गलत है. ये कह रहा है कि एम ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे एक ऐसा भी है जहाँ पे कोई भी ए नहीं है. ओके, बी प्लस भी जनरेट कर सकती है ये वाली ग्रामर बी प्लस जनरेट कर सकती है इस सिंपल प्रोडक्शन से, कैसे, एस टेंस टू बी वाले प्रोडक्शन से जिसमें कोई भी ए नहीं होगा. तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है क्योंकि एम रेफर कर रहा है ए को, तो एज एज जो है वो जीरो हो सकते हैं. तो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिग्यूअस इफ द ग्रामर कंटेन्स यूजलेस नॉन टर्मिनल्स इफ प्रोड्यूसेस मोर देन वन पार्स ट्री ऑफ फोर सम सेंटेंसेज सम प्रोडक्शन हैज टू नॉन टर्मिनल साइड बाय साइड ऑन द राइट हैंड साइड. सो अच्छी जो डेफिनेशन है एम्बिग्यूटी की वह है बी. अगर किसी भी स्ट्रिंग के लिए कोई ग्रामर एक से ज्यादा
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन दे रही है, तो ग्रामर एम्बिग्यूस है. ओके, एम्बिग्यूस का मतलब क्या है? एम्बिग्यूस का मतलब है कि मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन, ये डेफिनेशन है एम्बिग्विटी की. तो किसी ग्रामर को एम्बिगस तभी बोलते हैं जब उसके एक से ज़्यादा पार्ट्स ट्री आ रहे हैं, या तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू. तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बिलो जनरेट्स द सेम लैंग्वेज एल वेयर एल इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन. तो आपको एक लैंग्वेज दी हुई है एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन. आपको इसके लिए ग्रामर बतानी है. ओके, तीन प्रोडक्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन जनरेट कर सकता है इस चीज़ को. तो जो ई है, पहला है, पहला क्या जनरेट करेगा? ई पहला जनरेट कर रहा है एक्स ई वाई एक्स वाई, यानी क्या है, या तो नॉर्मल एक एक्स वाई हो सकता है या फिर एक्स वाई कितने भी हो सकते हैं. ओके, एक्स वाई नहीं होगा, एक्चुअली एक्स एक्स वाई वाई होगा. ओके, एक्स एस वाई वाई. फिर आप क्या करोगे, ई की जगह पर एक बार और रखोगे तो एक्स एक्स वाई वाई वाई, तो इस तरह से हो सकता है. यानी कि आपको क्या चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाईस चाहिए, और एटलीस्ट वन एक्स तो हो ही हो और एटलीस्ट वन वाई तो हो ही हो. तो क्योंकि एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो मिनिमल जो स्ट्रिंग होगी वो एक्स वाई होगी, उसके बाद में एक्स एस वाई वाई ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई कितनी भी हो सकती है. तो पहला वो जनरेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक जनरेट कर देगा. तो फर्स्ट इज ओके. सो सेकेंड इज सेइंग एक्स वाई और एक्स प्लस एक्स वाई वाई प्लस. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ एक्स हो सकते हैं, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ वाईज हो सकते हैं, इसमें ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है. ये तो ठीक है, एक्स वाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसी स्ट्रिंग देगा जो इस लैंग्वेज में नहीं बिलोंग करती है. ये इस तरह की स्ट्रिंग दे सकता है कि एक्स 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 वाई वाई, ऐसी स्ट्रिंग देख सकता है. क्यों, मैंने यहाँ पे पावर ली टू, यहाँ पे x एज इट इज रहा, यहाँ पे y की एक पावर ले ली, इनमें कोई बाउंडेशन नहीं है इनमें कितनी पावर लेनी है. ओके, तो इस तरह की हो सकती है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. x प्लस वाई प्लस तो ऑब्वियसली फॉल्स ही है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेट से मैं ले सकता हूँ कि x, और यहाँ पे ले सकता हूँ वाई वाई, या फिर यहाँ पे ले सकता हूँ एक्स एक्स वाई वाई. एक्स की दो पावर ले ली, वाई की एक, या फिर एक्स की एक पावर ले ली और वाई की दो, तो कितनी भी पावर हो सकती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्स और वाईज हो सकते हैं, इन दो में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब आपने लिखा एक्स की पावर एन वाई की पावर एन, इसका मतलब आपने दोनों को डिपेंड कर दिया. डिपेंड कैसे कर दिया, कि जितने नंबर ऑफ एक्स होंगे उतने नंबर ऑफ वाईज होंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है एन. ओके, इसलिए पावर सेम होने की वजह से सिर्फ वन ही करेक्ट है. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज If L1 and L2 are context-free languages and R a regular set, one of the language below is not necessarily a context-free language. Which one? तो इनमें से कोई एक context-free language नहीं है. इसने कहा कि जो आपकी L1 है, L1 CFL है और L2 भी CFL है और R आपकी regular है. तो बताना है कि इनमें से कौन सी not necessarily a context-free language. मतलब ये simply closure property के बारे में बात कर रहा है. तो आप अगर ध्यान से देखो, L1 into L2, that is concatenation. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या रेगुलर लैंग्वेजेस concatenation ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है या नहीं है. ओके, सेकंड ऑपरेशन है आपका L1 इंटरसेक्शन L2, थर्ड ऑपरेशन है L1 इंटरसेक्शन R, डी ऑपरेशन है L1 यूनियन L2. हम एक चीज़ पता है कि जो आपका रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, जो हमने भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी, उसको हम फिर से देख लेते हैं. और क्लोजर प्रॉपर्टी थी, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपके पास में. CFL के बारे में बात करें, CFL के लिए देखो कॉन्केटिनेशन, ये क्या है, कॉन्केटिनेशनल ऑपरेशन है. कॉन्केटिनेशनल ऑपरेशन देखना है आपको, ये रहा. तो CFL जो है वो कॉन्केटिनेशनल ऑपरेशन में क्लोज्ड है. इसका मतलब क्या है कि ये तो CFL होगी होगी, क्लोज होने का मतलब क्या है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी वो सेम ही रहे, तो ये CFL होगी, दिस इज ओके. ये कह रहा है कि कौन सी CFL नहीं होगी. तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन, तो CFL जो है वो इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये CFL नहीं होगी. किसी CFL का इंटरसेक्शन अगर हम ले रेगुलर लैंग्वेज के साथ में, तो ये कह रहा है कि रेगुलर इंटरसेक्शन, CFL रेगुलर इंटरसेक्शन क्या है, ट्रू है, यस, ये दिस इज क्लोज्ड. अगर आप किसी CFL का इंटरसेक्शन लेते हो किसी रेगुलर लैंग्वेज के साथ में, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रेगुलर CFL होगा. L1 यूनियन L2, तो हमें पता ही है कि यूनियन के अंडर क्लोज्ड है CFLs, तो दिस इज ऑल्सो ओके. तो ये भी CFL होगी, ये भी CFL होगी,
और ये इसके बारे में आप ये नहीं कहोगे कि ये सीएफएल नहीं होगी, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। अब क्लियरली आपको डिसाइडेबल नहीं है ये, जो भी निगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो डिसाइडेबल नहीं है। डिसाइडेबल का मतलब क्या है, आप क्लियरली यस और नो नहीं कह सकते हो, लेकिन इसमें इतना बताया कि मे बी और मे नॉट बी, ओके। हो भी सकता है कि सीएफएल हो, नहीं भी हो सकती है। क्लियरली नहीं कह सकता कि नहीं होगी, या क्लियरली ये भी नहीं कह सकते कि हाँ होगी होगी, इसी को बोलते हैं अनडिसाइडेबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू लैंग्वेजेस, L1 इज डिफाइंड बाय द ग्रामर दिस एंड L2 इज डिफाइंड बाय द ग्रामर दिस। तो दो लैंग्वेजेस है L1 एंड L2, उनकी ग्रामर दी हुई है ये दो ग्रामर्स। आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि L1 रेगुलर है, L2 रेगुलर है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं P एंड Q। P कह रहा है कि L1 इज रेगुलर, Q कह रहा है कि L2 इज रेगुलर। तो आपको देखना है कि ये ग्रामर्स कैसी कैसी लैंग्वेज दे रही है आपको। तो S1 कह रहा है कि ए S1 बी नल, तो इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो हमेशा स्ट्रिंग ऐसी होगी जिनमें नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज होंगे। क्यों, ये स्ट्रिंग जनरेट करेगा नल, फिर ए बी, फिर ए ए बी बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगा, ओके, जिनमें सारे के सारे नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज होंगे। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें नंबर काउंट करना है आपको, वो डेफिनेटली नहीं हो सकती है रेगुलर। ये क्या है, ये सी एफ एल लैंग्वेज है, जो L1 है वो सी एफ एल है, ओके। डी सी एफ एल बोल सकते हो आप, डिटर्मिनिस्टिक सी एफ एल, नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज होने चाहिए, और काउंटिंग बिना मेमोरी के नहीं हो सकती है, और रेगुलर और आपके डी एफ एज मेमोरी नहीं हो सकती है। तो S2 कह रहा है कि ए बी एस टू नल, इसमें से कैसी स्ट्रिंग जनरेट होगी, इसमें से स्ट्रिंग ऐसे जनरेट होगी ए बी या फिर नल ए बी, या फिर ए बी और S2 के लिए रखा आपने फिर से ए बी ए बी ए बी, तो इस तरह की जनरेट होगी, फिर ए बी ए बी ए बी, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट होगी। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है ए बी के होल स्टार की। आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते ही क्या हो गई, वो रेगुलर लैंग्वेज हो गई। तो जिस भी लैंग्वेज के लिए या जिस भी ग्रामर के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्लियरली, उस ग्रामर को बोलते हैं रेगुलर ग्रामर, और लैंग्वेज को बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। तो क्यों ट्रू है, लेकिन पी ट्रू नहीं है, क्योंकि पी सी एफ एल है ना कि रेगुलर। सो पी स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू। सो पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, नो, पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू, सो सी इज द राइट आंसर। पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट L1 एंड L2 बी लैंग्वेजेस ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा सच दैट L1 इज द सबसेट ऑफ L2। तो उसके बारे में आपको बताना है, कैसे बता सकते हैं, एक L1 है लैंग्वेज जो सबसेट है L2 का, ओके, ना कि प्रॉपर सबसेट, सबसेट है एक्चुअल में। तो ये कह रहा है कि अगर इफ L2 इज रेगुलर देन L1 मस्ट ऑल्सो बी रेगुलर। तो ये कह रहा है कि अगर L2 रेगुलर है तो L1 का भी रेगुलर होना जरूरी है। क्या ऐसा ऐसा सच है, लेट से मैंने एक लैंग्वेज ली L2 इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज है, कोई बात नहीं। इसने कहा कि इफ L2 इज रेगुलर, तो मैंने रेगुलर लैंग्वेज ले ली एक, ये कह रहा है कि L1 भी रेगुलर होनी चाहिए। इसका अगर मैं सबसेट देखूँ, इसके अंदर स्ट्रिंग्स किस तरह की होंगी, नल ए बी ए ए ए बी बी ए बी बी, फिर कहीं पे ऐसा भी होगा ए ए बी बी। तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो ऐसी भी हो सकती है कि ए की पावर एन बी की पावर एन, नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, इसके अंदर हो सकती है, इसका इसका सबसेट ही है ये। लेकिन ये ग्रामर जो है ये सी एफ एल है ना कि रेगुलर। तो अगर L2 रेगुलर है, रेगुलर का सबसेट जो है वो सी एफ एल हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। ये जो आप देख सकते हो ये क्या है, सी एफ एल है, तो ये तो फॉल्स है। इफ L1 इज रेगुलर देन L2 मस्ट ऑल्सो भी रेगुलर, ये कह रहा है कि अगर L1 रेगुलर है तो L2 भी रेगुलर होनी जरूरी है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, इसी की तरह, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो उसका काउंटर पॉजिटिव भी फॉल्स होगा। आइदर बोथ L1 L2 आर रेगुलर और बोथ आर नॉट रेगुलर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि दोनों दोनों रेगुलर हो, या फिर दोनों दोनों रेगुलर ना हो, जैसे हमने ये केस देखा अभी, क्योंकि यहाँ पे L1 तो नॉन रेगुलर है और L2 रेगुलर है, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ L1 L2 आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड R इज ए रेगुलर सेट, वन ऑफ द लैंग्वेजेस बिलो इज नॉट नेसेसरली अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसने कहा कि आपके पास में L1 एंड L2 दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और R जो है आपका रेगुलर सेट है, तो इनमें से कौन सी नॉट नेसेसरी, ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, ओके, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, मोर देन वन मे बी करेक्ट. ये कह रहा है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं. लेट आर वन एंड आर टू बी रेगुलर सेट्स डिफाइंड बाय ओवर द अल्फाबेट सिग्मा. देन आर वन एंड आर टू दो रेगुलर सेट्स हैं. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. हमें पता है कि रेगुलर लैंग्वेज जो है वो सारे के सारे ऑपरेशन के अंडर क्लोज हैं. कोई भी ऑपरेशन करो आप रेगुलर लैंग्वेजेस पे, वो क्लोज ऑपरेशन होगा. क्लोज मीन्स जैसे आर वन इंटरसेक्शन आर टू करोगे तो वो जो उनका रिजल्ट आएगा इंटरसेक्शन करने के बाद में वो भी रेगुलर ही होगा. तो ये तो गलत है क्योंकि इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज हैं. आर वन यूनियन आर टू इज रेगुलर, ट्रू. सिग्मा स्टार माइनस आर, ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंटेशन की. ओके, ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है, नॉट सिंपली. कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि मुझे आर वन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब होगा सिग्मा स्टार माइनस आर वन, दिस इज कॉम्प्लीमेंट. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है. आर वन स्टार इज नॉट रेगुलर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका लीनी क्लोजर, इसको बोलते हैं लीनी क्लोजर. स्टार का मतलब है लीनी क्लोजर, तो वो लीनी क्लोजर के अंडर भी क्लोज होगी. तो बी एंड सी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस करेक्टली एक्सेप्ट द सेट ऑफ ऑल जीरो वन स्ट्रिंग्स विद एन इवन पॉसिबली जीरो नंबर ऑफ वंस. कह रहा है कि ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए मुझे जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस हो. ओके, इवन नंबर ऑफ वंस. याद रखना कि जीरो भी एक इवन नंबर है, तो जीरो नंबर ऑफ एज भी हो सकते हैं, जीरो नंबर ऑफ वंस भी हो सकते हैं जिसमें एक भी वन ना हो, ऐसी स्ट्रिंग भी आ सकती है. तो पहला जो है वो दे रहा है नल, उसके बाद में दे रहा है वन वन, वन वन हो सकता है या वन वन जीरो हो सकता है, या फिर इसके अंदर से आपका वन जीरो भी हो सकता है. तो इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है. इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो यही है कि इसमें 0101 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. इसी स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस हैं, लेकिन स्टिल ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी यहाँ पर. ओके, 0101. सो बी कह रहा है कि 0*1 0*1 का होल स्टार. मुझे सारी की सारी स्ट्रिंग जनरेट करनी है. किस किस तरह की? मुझे जीरो भी चाहिए. ओके, मुझे नल भी जनरेट करना है, जीरो भी जनरेट करना है. जीरो में क्या होगा? जीरो में इवन नंबर ऑफ वंस हैं. इस स्ट्रिंग के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस हैं. कैसे? इसके अंदर जीरो वंस हैं, एक भी वन नहीं है. और जीरो वंस मीन्स जीरो क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ वंस. जीरो भी इवन नंबर है, तो जीरो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए. क्या इसके अंदर जीरो एक्सेप्ट हो रहा है? इसके अंदर जीरो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. जो मिनिमल स्ट्रिंग होगी वो वन वन होगी. ठीक है, जो छोटी से छोटी स्ट्रिंग होगी वो वन वन होगी इस तरह से. तो जीरो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो बी भी राइट आंसर नहीं है. तो सी कह रहा है कि सी भी उसी की वजह से जो आपका इसके अंदर हो सकता है कि 0*1 10*1 दैट इज, यहाँ से भी जीरो जनरेट नहीं हो रहा है. ओके, क्योंकि मिनिमल स्ट्रिंग वन वन तो होगी होगी यहाँ पर. तो डी कह रहा है कि 0*1 0*1 यहाँ पे भी 0*0 जनरेट नहीं हो रहा है, तो डी भी गलत है. अब ई पे आते हैं. ई कह रहा है 0*1 0*1 होल स्टार एंड 0*, यहाँ से जीरो मिल सकता है हमें. यहाँ से नल मिलेगा, उसके बाद में जीरो यहाँ से मिल सकता है. सिंपल, यहाँ से मिल सकता है आपको जीरो. वन वन तो होगा ही होगा. ओके, सो यहाँ से मिल सकता है आपको 11 एंड 0*1 1011 1010. तो इसका मतलब क्या है कि सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा. तो आपको एक NFA दिया हुआ है, इस NFA के लिए आपको बताना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा. सिंपल है, ए बी का लूप मीन्स ए प्लस बी का होल स्टार. ओके, देन ए, आफ्टर दैट ए प्लस बी. ए कॉमा बी का मतलब है ए प्लस बी. ओके, सो ए प्लस बी एंड देन नॉर्मल बी. सो ए प्लस बी का होल स्टार ए, ए प्लस बी बी, दैट इज आंसर ए. विच टू ऑफ द फॉलोइंग फोर रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट. नल इज द एम्प्टी स्ट्रिंग. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है. यहां से क्या जनरेट होगा? यहां से जनरेट होगा नल, जीरो. ओके, आफ्टर दैट जीरो जीरो, और फिर जीरो की कितनी भी पावर हो सकती है. दैट मीन्स जीरो 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 एंड देन जीरो 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 जीरो, इवन नंबर ऑफ जीरोज. ओके, तो अगर लेंथ स्ट्रिंग की दो से ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो इवन लेंथ की होगी, 2, 4, 6 लाइक दिस, क्योंकि जीरो जीरो का स्टार है. तो जब आप यहाँ से पावर लोगे तो आप कैसे लोगे? जीरो जीरो की पावर जीरो, देन यूनियन जीरो जीरो पावर वन,
यूनियन 00 पावर 2, इसका मतलब है कि नल, इसका मतलब है 00, इसका मतलब है 0000, तो इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट होगी। बी क्या देगा, बी भी इसी तरह की स्ट्रिंग दे रहा है, नल 00000, लेकिन यहाँ से जीरो नहीं मिल रहा आपको, ओके, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं हो सकता वन के। टू दे रहा है जीरो स्टार, जीरो स्टार मतलब क्या है कि स्ट्रिंग देगा सारी जीरो की, कितनी भी लेंथ हो सकती है, 00000, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ओके, इस तरह से सारी पावर्स हो सकती है, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। जो फोर्थ है, फोर्थ इस तरह की स्ट्रिंग देगा जीरो एंड देन जीरो 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 एंड देन जीरो 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 जीरो, तो इस तरह की आपकी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स होगी। तो इनमें से कौन कौन इक्विवेलेंट है, तो अगर आप तीसरे को देखो, थर्ड एंड फर्स्ट दोनों इक्विवेलेंट है, क्यों, यहाँ से स्ट्रिंग मिल रही है नल 000, 4 times 0, देन 7 times 0, 4 times 0, 6 times 0 और 5 times 0, ओके, हाउ, लेट से यहाँ से आपने लिया 00, तो आपके साथ में 0 लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ से हर लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी आपको। यहाँ से स्ट्रिंग किस तरह से मिलेगी, यहाँ से स्ट्रिंग मिलेगी नल 00, यहाँ से आपने 00 लिया, उसको नल के साथ में मल्टीप्लाई किया, यहाँ से नल लिया और यहाँ से 00, फिर तीन लेंथ की कैसे मिलेगी, 00 और 0, इस तरह से। फोर लेंथ की कैसे मिलेगी, 0000, ओके, टू पावर्स ले सकते हो अंदर और यहाँ पे नल, तो इस तरह से पूरी, इसको बोल सकते हो आप जीरो स्टार, तो ये कुछ और नहीं है, सिंपली जीरो स्टार ही है पूरा का पूरा, तो वन एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट। Which of the following is true? The complement of a recursive language is recursive. This is true. Recursive languages are closed under complementation. कैसे? Recursive language. तो recursive language जो आपकी होगी, ये है recursive language और ये है recursively enumerable language. तो recursive languages unions हर एक operation के अंदर closed हैं, except homomorphism. Okay. तो recursive language हर एक operation के अंदर closed हैं. तो recursive, the complement of recursive language is recursive. This is true. The complement of recursively enumerable language is recursive enumerable. जो RE languages हैं, वो union and intersection के अंदर में closed हैं. Complement and difference के अंदर में क्लोज्ड नहीं है। तो अगर कोई रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट भी रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज होगा। सी कह रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिकर्सिव लैंग्वेज इज आइदर रिकर्सिव और रिकर्सिवली इनुमरेबल, दिस इज फॉल्स, ओके, वो डेफिनेटली रिकर्सिव ही होगा एंड रिकर्सिव इनुमरेबल भी होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, ओके, आप यहां देख सकते हो, यह है CFL का कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, नो, so A is the right answer. Let L be a context free language and M a regular language, then the language L intersection M, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ L equals to कहा है CFL है और M है आपकी regular, तो CFL का intersection regular के साथ में, ये कौन सा operation है, ये operation है regular intersection of CFL, that is closed, तो क्या होगा, अगर आप इनका intersection लोगे तो answer हमेशा CFL आएगा, ओके, बिकॉज CFL इज क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन ऑपरेशन विद रेगुलर लैंग्वेज, तो ऑलवेज अ डिटर्मिनिस्टिक CFL, ऑलवेज ए CFL, ओके, डिटर्मिनिस्टिक नहीं कह सकते हो आप, CFL कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स, फॉर एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, दिस इज ट्रू, आपकी जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होगी उसकी सेम पावर होगी एज ट्यूरिंग मशीन, नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन सेम पावर के होंगे। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस, ये ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल क्या है, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल और कुछ नहीं है, सिंपली आपके रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज को ही बोलते हैं, ओके, रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज को ही ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल बोलते हैं। एंड ट्यूरिंग डिसाइडेबल भी एक वर्ड आएगा, ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज सिंपली आपके रिकर्सिव लैंग्वेज होती है, ओके, इन लैंग्वेज को हम ट्यूरिंग डिसाइडेबल बोलते हैं, इन लैंग्वेजेस को ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, ओके, यूनियन के अंडर तो क्लोज्ड है लेकिन कॉम्प्लीमेंट के अंडर क्लोज्ड नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सी कह रहा है कि ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, सी इज ट्रू, क्योंकि रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं। ट्यूरिंग डिसाइडेबल जैसे मैंने अभी बताया, ट्यूरिंग डिसाइडेबल का मतलब है कि रिकर्सिव लैंग्वेज, और रिकर्सिव लैंग्वेज हर एक ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है एक्सेप्ट वन। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज यानी कि रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेजेस, जब भी ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज का नाम आए तो समझ जाओ कि रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। आर क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ओके,
दिस इज ट्रू, सो फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू. तो इस केस में वन थर्ड एंड फोर्थ ट्रू है, इसलिए पूछा है फॉल्स के बारे में. फॉल्स सिर्फ एक ही है, वह है सेकेंड. तो टू ओनली, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. एल वन इज रेगुलर, एल टू इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, एल थ्री इज रिकर्सिव, एल फोर इज रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. ये कह रहा है कि एल थ्री कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल फोर इज रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एल थ्री क्या है? आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज है. ओके, एल थ्री रिकर्सिव है तो एल थ्री का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? रिकर्सिव होगा. उसके बाद में इसने कहा है कि रिकर्सिव का यूनियन विथ रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज, ये हमेशा रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज ही होगा. ओके, सो वन इज ट्रू. सेकेंड इज एल टू का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल थ्री इज रिकर्सिव. तो एल टू क्या है? आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री. और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, जैसे एल टू है, एल टू का कॉम्प्लीमेंट मे बी और मे नॉट बी, हो सकता है सी एफ एल हो या हो सकता है सी एफ एल ना हो, लेकिन ये रिकर्सिव तो होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि जो आपका हिरार्के है लैंग्वेज का, वो कुछ इस तरह से है. सो सबसे बाहर है आपकी रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज, उसके अंदर है रिकर्सिव लैंग्वेजेस, फिर है सी एफ एल लैंग्वेजेस, और उसके अंदर है रेगुलर लैंग्वेजेस. तो जब आप कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई लैंग्वेज अगर यहाँ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा. ओके, एल लैंग्वेज अगर यहाँ पर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है. तो डेफिनेटली वो इसके अंदर ही होगा, रिकर्सिव तो होगा ही होगा. तो एल टू एल थ्री, इसका मतलब क्या है कि एल टू क्या है? एल टू तो रिकर्सिव हुई, रिकर्सिव और फिर यूनियन रिकर्सिव, क्योंकि एल थ्री भी रिकर्सिव है. तो रिकर्सिव लैंग्वेज, यूनियन रिकर्सिव लैंग्वेज. तो रिकर्सिव लैंग्वेज में पता है कि यूनियन के अंडर क्लोज्ड है, तो ये भी रिकर्सिव हुई होगी, इनका ऑपरेशन भी रिकर्सिव होगा. तो सेकंड भी सही है. L1 का स्टार इंटरसेक्शन L2, L1 स्टार मींस लीनी क्लोजर. तो रेगुलर लैंग्वेज का लीनी क्लोजर भी रेगुलर लैंग्वेज ही होगा. तो आपको क्या करना है? रेगुलर लैंग्वेज इंटरसेक्शन सी एफ एल, ये हमेशा क्या होगा? सी एफ एल होगा. दैट इज थ्री इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ इज सेइंग L1 यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री. L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? L1 ने बताया कि रेगुलर है. ओके, L1 रेगुलर है और यूनियन L2 क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका होगा लेट से रिकर्सिव. तो रेगुलर यूनियन रिकर्सिव क्या होगा? इट इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. इट मे बी रिकर्सिव बट नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. तो फोर्थ इज रॉन्ग. तो वन टू थ्री आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट L1 एंड L2 बी एनी टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड R बी एनी रेगुलर लैंग्वेज. तो L1 L2 दो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और R एक रेगुलर लैंग्वेज है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज R करेक्ट. तो चार सेंटेंस दिए हुए, आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है. L1 यूनियन L2 क्या होगा? दोनों CFL है और CFL जो है वो क्लोज्ड है यूनियन के अंडर, दैट मीन्स CFL ही होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है. सेकेंड कह रहा है कि L1 का कॉम्प्लीमेंट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, क्योंकि L1 क्या है? CFL है और CFL जो CFL लैंग्वेजेस कॉम्प्लीमेंट के अंडर क्लोज्ड नहीं है, तो इसलिए वो नॉट CFL होगा. मे बी CFL और मे नॉट बी CFL, बट क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि CFL होगा. तो सेकंड फॉल्स है. L1 माइनस R, L1 माइनस R का मतलब क्या है कि L1 माइनस R को आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, L1 इंटरसेक्शन R का कॉम्प्लीमेंट. तो रेगुलर कॉम्प्लीमेंट रेगुलर ही होगा. L1 इंटरसेक्शन रेगुलर, किसी भी CFL को आप रेगुलर के साथ में इंटरसेक्शन करते हो उसको बोलते हैं रेगुलर इंटरसेक्शन, और CFL रेगुलर इंटरसेक्शन में क्लोज्ड है, दैट मींस ये कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी. थ्री इज ओके. L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, यानी कि ये पूछ रहा है कि क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के अंडर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है, क्योंकि L1 एंड L2 वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं. तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर CFL क्लोज्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टी CFL इंटरसेक्शन. तो दिस इज फॉल्स. फर्स्ट एंड थ्री आर ट्रू, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विद ए रेगुलर लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये ट्रू है. ओके, हमने अभी देखा ये वाला ऑपरेशन. द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, दिस इज ऑल्सो ट्रू. क्यों? क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर ऑल द ऑपरेशन. द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये फॉल्स है, क्योंकि सी एफ एल लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन. द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, दिस इज ट्रू. ओके, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड द कॉम्प्लीमेंट
ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये हमने अभी देखा है, ये ट्रू है. क्यों? क्योंकि आर क्या है, आर रेगुलर लैंग्वेज है और आर का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर ही होगा क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर इन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. और ये वही प्रॉपर्टी आ गई ये वाली, ये रेगुलर इंटरसेक्शन अगेन सी एफ एल. द इंटरसेक्शन ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, दिस इज ट्रू क्योंकि दोनों लैंग्वेज रेगुलर है और रेगुलर लैंग्वेज हर ऑपरेशन के अंडर क्लोज है. तो सी इज द राइट आंसर. इसने फॉल्स के बारे में पूछा है, सी ही फॉल्स है जो कह रहा है कि इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज है इट सी एफ एल लैंग्वेजेस, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन कौन से ऑपरेशन के अंडर क्लोज है. जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं वो यूनियन के अंडर क्लोज है. उसके बाद में रिवर्स कॉन्केटिनेशन, ओके, इन सब के अंदर क्लोज है. लीनी क्लोजर इसके अंडर भी क्लोज है, इसमें हमने लीनी क्लोजर नहीं दिखाया है. तो लीनी क्लोजर के अंडर भी सी एफ एल्स क्लोज हैं. ओके, तो आंसर इज यूनियन एंड लीनी क्लोजर. क्योंकि इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज नहीं है तो एक फॉल्स हो गया, ना तो इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज है ना कॉम्प्लीमेंट के अंडर क्लोज है, ये भी फॉल्स हो गया. यहाँ देख सकते हो आप, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सी एफ एल आर नॉट क्लोज, तो कॉम्प्लीमेंट लीनी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट की वजह से ये आंसर फॉल्स हो गया. तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. ऑप्शन ए इज इफ ए लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री इट कैन ऑलवेज बी एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. ओके, ये कह रहा है कि इफ ए लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, जब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात कर रहे हो तो आप हो सकता है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात कर रहे हो सकता है कि आप NCFL की बात कर रहे हो, लेकिन NCFL सिर्फ NPDA ही एक्सेप्ट कर सकता है, ना कि डिटरमिनिस्टिक PDA. सो ए इज फॉल्स. Then union of two context free languages context free, ये true है क्योंकि context free languages are closed under union operation. The intersection of two context free languages are context free, this is false क्योंकि context free language are not closed under intersection operation. इसी तरह से D भी false है, ना complement operation के अंडर भी closed नहीं है. तो B is the right answer. Next question is consider the grammar. आपको तीन productions दिए हुए हैं और आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स, पांच छह स्ट्रिंग दी हुई है और ये बताना है कि विच ऑफ द अबो स्ट्रिंग्स आर जनरेटेड बाय द ग्रामर. इनमें से कौन कौन सी स्ट्रिंग इस ग्रामर से आप जनरेट कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं पहली स्ट्रिंग से. तो पहली स्ट्रिंग है आपकी XXYYX, ये आप कैसे जनरेट कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग स्ट्रिंग एक्स से हो रही है. तो आप पहला प्रोडक्शन लोगे XXB. ओके, उसके बाद में आपको एक और एक्स जनरेट करना है तो आप कहोगे XXB. मैंने क्या करा, बी की जगह पे रख दिया XB, इस बी की जगह पे फिर से ओके, आई कैन नॉट पुट XB, आई हैव टू पुट XBB बिकॉज आई एम यूजिंग द प्रोडक्शन ऑफ B. तो अब मेरे पास में XXBB हो गया है और मुझे जनरेट करना है, एक्स में जनरेट कर चुका हूँ, YYX जनरेट करना है. दैट मीन्स XX Y की जगह पे मैं रखूँगा, B की जगह पे रख सकता हूँ मैं YSB. ओके, देन मुझे जनरेट करना है YX, तो एस की जगह पे मैं रख सकता हूँ YA. तो आपको जनरेट करना है XXYYX. सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एस टेंस टू XB एंड देन एक्स वी कैन पुट इन शेड ऑफ बी XBB. सो दिस विल बिकम XSBB. देन पुट इन शेड ऑफ बी यू कैन पुट YS. ओके, यू कैन पुट सिंपली Y. सो XXY देन XSY बी टेंस टू Y एंड देन वी हैव बी. So XXY we can put instead of B, we need YX, so we can put YA. And then XX instead of A I can write X, so this will become XXYYX. So this is generated, no problem. Now I have to generate XXYYXY. So S tends to XB, then I have to put instead of B I can put XBB, XXBB, now it becomes XXBB. Now I have to generate double Y, so I will generate XX, instead of B I can put Y. Okay, then I can put YS, so it will become XXYY. Now I have to generate XY, so from S I can generate XY like this, XB, Y tends to XB and then B tends to Y. That means XXYYXY. Okay, second is also generated. Then third XYXY. So I can put XB, then B tends to YS,
देन एस टेंस टू एक्स बी, देन बी टेंस टू वाई, सो एक्स वाई इज जनरेटेड, नो प्रॉब्लम. वाई एक्सेस वाई, सो आई हैव टू स्टार्ट विद वाई. तो वाई से स्टार्ट करते हैं, एस टेंस टू वाई ए, देन ए टेंस टू एक्स एस, वाई एक्स एस, देन एस टेंस टू एक्स बी, वाई एक्स एक्स बी, एंड देन वाई टेंस टू बी टेंस टू वाई, दैट मीन्स वाई एक्स एक्स वाई. सो थर्ड भी जनरेटेड, बट फोर एंड फिफ्थ विल नॉट बी जनरेटेड. यू कैन ट्राई योर सेल्फ, दिस फोर फिफ्थ एंड सिक्स विल नॉट बी जनरेटेड. सो वन टू थ्री फोर कैन बी जनरेटेड.